हेलो दोस्तों, मैं शरीन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। बहुत ही एकदम सिंपल डिश है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए मैंने लिया है एक बैगन और इसको इस तरीके से बीच में से काट लेना है। चारों तरफ से काटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका बैगन अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा, रोस्ट भी हो जाएगा, और अगर अंदर कोई कीड़ा रहेगा तो भी आपको पता चल जाएगा, आप निकाल के फेंक सकते हैं। इसको मीडियम आँच पे ही भुनना है हमें और हर तरफ से रोस्ट करना है, हर तरफ से भुनना है इसको, ताकि अच्छी तरीके से सब तरफ से भुन जाइए। बैगन अच्छे से भुन चुका है, अभी फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको पानी में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद उसका स्किन निकाल लेंगे और उसको मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डाल के एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं जिससे वो अच्छे से फ्राई हो जाए, जल्दी भुन जाए। ये डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये डिश। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गैस में बना रहे हो लेकिन जो फ्लेवर आएगा, जो टेस्ट आएगा, जो खुशबू आएगी, वो एकदम ऐसा लगेगा कि आपने चूल्हे में बनाया है ये डिश को। अब इसमें हम लोग डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल चुका है, अब इसमें डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ टमाटर और उसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। ये मैं एक बैगन का भरता बना रही हूँ, इसकी वजह से सारी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी है। अगर आप ज़्यादा बैगन का भरता बनाओगे तो सारे क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं डालूँगी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसको ढक के एक मिनट के लिए पकाना है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। एक मिनट हो गया है, अभी इसका ढक्कन निकाल के थोड़ा देर चला लेना है। थोड़ा सा नमक डालना है इसमें और जो हमारा बैगन है वो डाल देना है। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसको ढक देंगे दो मिनट के लिए और पकने देंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, इसको इसी तरीके से ही पकाएंगे हम लोग। दो मिनट के बाद ढक्कन निकालेंगे और इसको इस तरीके से चला लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इस बीच आपको फ्लेम बंद कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देना है। बस आपका बैगन का भरता रेडी है। इसको गर्मा गर्म भाकरी के साथ, रोटी या चपाती के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।